भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बार्डर से पाकिस्तानी तस्करों वालों भारत में नशे की बड़ी खेप भेजी जा रही थी, जिसनों की BSF वालों असफल कर दिता गया है। BSF ने सर्च दौरान बड़ी मात्रा में हैरोइन, कई पैकेट अफीम और 2 हथियार भी बरामद किए हैं। सेम जहाँ पे अपन खड़े हैं, यहाँ से कोई 25 मीटर दूर पे पेट्रोलिंग कर रहा था और उसके दूसरी तरफ कांस्टेबल ये राजू विश्वास था जो तकरीबन 50 मीटर दूर था। इस हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव ने फेंसिंग पर कोई मूवमेंट देखा, इसे लगा कि कुछ सामान को इंडिया के अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो इसने तुरंत उनको चैलेंज करते हुए फायर करा। 15 राउंड इसने फायर करे अपने जो मैगजीन में थे, और जो ही इसने फायर करा पाकिस्तान की तरफ से भी, मतलब अक्रॉस द फेंस इसके ऊपर भी फायर आया, जिसमें से 2 गोली इसके हाथ में और 1 इसके सिर में लगी। पर इसने लगातार फायरिंग को जारी रखा। इसी फायरिंग की आवाज़ सुन करके जो हमारा दूसरा कांस्टेबल जो मेरे ये बगल में खड़ा है राजू, ये दौड़ करके आया और इसने सोचा कि हेड कांस्टेबल ने स्मगलर देख के फायर कराया, पर इसे पता नहीं था कि उसके गोली लग चुकी है। और इसने जो ही इसने पहुंचा और देखा कि उस उस्ताद तो नीचे गिरे हुए हैं और फिर भी फायर कर रहे हैं, तो इसने भी पोजीशन ली और स्मगलर्स को एंगेज करा। जब उन्होंने देखा कि दो जवान पहुंच गए हैं और फायर हो गया है, तो उनकी हिम्मत एकदम पस्त हो गई और वो पूरा सामान छोड़ करके भाग गए। इस सामान जब यहाँ पर सर्च करी गई तो 47 पैकेट हेरोइन, तो तकरीबन 47 kg हेरोइन, 7 पैकेट अफीम है, 2 पिस्टल हैं जिसमें से एक इटालियन मेड है, 1 चाइनीज मेड है, 1 पिस्टल के साथ 42 राउंड हैं, 1 के साथ 12 राउंड हैं, 74 राउंड गिरे हुए AK-47 के सर्च के समय हेड ऑफ फेंस मिले। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से 200 मीटर आगे IB है और उसके आगे रावी नदी शुरू हो जाती है, तो रात के समय ही रावी नदी में नाव से ऐसा लगता है 5 से 7 जो स्मगलर थे उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस करी और हैवीली आर्म्ड थे, और ऐसा लगता है कि बिना किसी और जो पाकिस्तान के जो भी हैं उनके सपोर्ट के बिना ये कार्रवाई नहीं करी जा सकती। सर इधर में कोई इधर भी ये 3 आदमी बैठे हुए थे, आप देखेंगे तो इनके ये कुर्ते बैठे हैं, हमने वो सर्च डॉग लगाए, SSP साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है, पूरी ताकत से पुलिस भी पकड़ने में लगी हुई है। पहले भी इसी जगह पर कोई 1.5 महीने पहले 1 किलोमीटर आगे इस जगह से एक अटेम्प्ट करा था, उस समय भी हमारे बहादुर जवान ने फायर करा था, पर वो किसी तरह से वो बच करके सामान मतलब नील ले पाए थे और निष्फल कर दिया था। पर इस बार मुझे लगता है सेम ग्रुप ने दोबारा अटेम्प्ट करा और हमारे बहादुर जवान ने उनका निष्फल कर दिया और सारा सामान जो कुछ अनुमान लगा कितने लोग होंगे उधर भी इधर भी, तकरीबन 5 से 7 लोग तो जो पाँव के निशान है नदी के किनारे पे, 5 से 7 स्मगलर पाकिस्तान से आए थे और यहाँ पे 3 से 4 इंडियन साइड के स्मगलर जरूर इन्वॉल्व। जो जख्मी है वो IRV हॉस्पिटल है, IRY हॉस्पिटल है प्राइवेट, वहाँ उसे एडमिट कर दिया है, वो स्टेबल है। और उस जवान का और इस साथ में जो ये राजू खड़ा है कांस्टेबल, इसका बहुत बहादुरीपूर्ण ये कारनामा था, इन्होंने अपनी इतने खतरनाक उसमें परिस्थितियों में अपने धैर्य को रखते हुए जिस तरह से रिटेलिएट करा और उनको भागने पे मजबूर कर दिया और इतनी बड़ी मात्रा में। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहाँ की शांति को, यहाँ की जवानी को किस तरह से ये नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे और क्या इसका अंजाम हो सकता था, तो ये सिर्फ वो लगाया जा सकता है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है।
पर सीमा सुरक्षा बल किसी भी प्रकार के कुत्सित प्रयासों को सफल नहीं होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कुत्तों की ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भी कॉन्टेक्ट करा जा रहा है कि भाई आप भी अपने एरिया में सर्च करो और आपके वहाँ से जो लोग आ रहे हैं इनको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, पता कराया जाए कौन दोषी है। अभी जो ही ये धुंध हटेगी तो उनको मैसेज कर दिया गया है और 11:30 बजे का टाइम दे दिया है फ्लैग मीटिंग का। हाँ, ये बहुत बड़ी खेप है, बहुत अभी रिसेंट समय की बहुत बड़ी खेप है। 47 kg हेरोइन, 6 इसमें पैकेट अफीम के, तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आप समझ सकते हैं ये मतलब कोई 300 करोड़ की तकरीबन खेप होगी, प्लस हथियार हैं, तो ये क्या। और इतना एमिनेशन मिलना, 74 राउंड AK-47 के, 44 राउंड पिस्टल के, 12 राउंड चाइनीज मेड पिस्टल के, तो ये सब दर्शाता है कि बहुत ज़बरदस्त उनकी साजिश थी और काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे थे। पर ये धुंध का मौसम अभी शुरू हुआ, आज पहला ही दिन था जब इतनी धुंध पड़ी है, नहीं तो इतने दिनों से और मौसम ठीक चल रहा था। भारतीय जवानों ने जो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तस्करों को भी लगी गोली का, पाकिस्तानी तस्करों को ऐसा नहीं लगता वो बच गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे जमीन है, वो छुप रख मतलब नीचे क्रॉलिंग करते हुए थे, तो मुझे नहीं लगता शायद उनको लगी है, क्योंकि यदि गिरे लगी होती तो खून गिरा हुआ मिलता या वो कोई उनकी बॉडी मिलती। DAG साहब ने तुहानू सारी डिटेल च दस्या कि किवें ऑपरेशन होया, किवें सारा इंसीडेंट होया मॉर्निंग च 5:15 बजे का। सो उस तो बाद जिहड़े अपने इंडियन साइड ते बंदे सी उन्हां बारे जिहड़ी साडे कोल इनफॉर्मेशन है ऑलरेडी, उस इनफॉर्मेशन ते भी वर्क कर रहे, जिवें पुराने समगलर कोई सीगे उन्हां दा सर्च कर रहे, उन्हां दे रेड कर रहे, जिहड़े कोई पुरानियां FIRs ने जिन्हां ते कोई मेजर रिकवरीज होई आ उन्हां ते वर्क कर रहे, एंड होपफुली असीं जल्दी बंदे फड़ लांगे जिहड़े इधरले पासे इंडियन साइड ते आए सी। जिहड़े पाकिस्तान साइड ते आए सी, DAG साहब ने दस्सिया कि तुहाडी 11:30 बजे अज फ्लैग मीटिंग है, उहदे विच उह मुद्दा उठाणगे, उत्थे गल भी करनगे, ते जिहड़ा इंडिया वाले पासे दैट विल टेक आसपास दे पिंडां दी होणगे, कहना मुश्किल है कि लागे दे पिंडां दे होणगे या दूर दे होणगे, बिकॉज़ साडे सैकेंड लाइन ऑफ डिफेंस दे जिहड़े नाके हैगे उत्थे साडे ANPR कैमराज भी लगे होए। सो जे कोई होए ते गड्डी ते आया होगा ते उहदे विच क्लीयर हो जाएगा, जे कोई बाय फुट मूवमेंट होई होएगी दैट मीनस कि लागले पिंडां दा ही कोई। आम तौर ते देखा जांदा कि BSF ऐसी खेप्स पकड़दी रहिंदी है, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं हो पाती कि जो सैकंड डिफेंस लाइन की गल आती है तो इधरले कोरियर जो स्लीपर सैल वो नहीं रिकवर हो पाते। नहीं, काफ़ी ज केसिज है जिन्होंने रिकवरी हुई भी है, तो बाद च बंदे भी फड़े गए, जिमें अक्टूबर में असी 8 किलो रिकवर की सी, उस साढ़े को बंदे ट्रेस हो गए से, 3 बंदे ट्रेस हो गए से, उन्होंने FIR भी हुई है और अरैसट भी पै गई, चल भी गए ने जेल च। सो जी पहला उस तो पहला जी मेजर रिकवरी से 22 किलो की एक हैरोइन की रिकवरी हुई से, आई थिंक 2020 या 2021 वो भी बंदे अरैसट हुए से, भी बंदे जेल च गए ने, वह भी ट्रायल चल रहा। सो ये भी वील वर्क ऑन इट, असं ये भी जल्दी बंदे फड़ा।